इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। श्री कवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमिरमल जी छाबड़ा की स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, सलोनी जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, श्री अजीत जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आयुषी अर्णव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक, फर्म इंदिरा लॉजिस्ट वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी असम, कंप्यूटर विजन वर्क्स विवरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फोम वर्क प्रणाली कॉलम बॉक्स शटरिंग और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। धर्म स्नेह भव्य आत्माओं, मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, आज मैं मित्र के नाम से तुम्हें संबोधन कर रहा हूं। आज की चर्चा मित्रता के संबंध में है, दोस्त के संबंध में है, फ्रेंड के संबंध में है, सखा के संबंध में है, सहेली के संबंध में है, हम जोली के संबंध में है, जिसको हम अपना समझते उसके संबंध में है। ख्याल करो, हमने किसको अपना दोस्त बना रखा है, किसको अपना फ्रेंड और किसको अपना मित्र बना रखा है, ये हमारे ऊपर है। क्योंकि ये रिश्ता भगवान ने बनाकर नहीं भेजा है। अभी माता जी ने कहा ना, माँ बाप का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, मामा मामी का रिश्ता हो, सारे रिश्ते हमें जन्म से पहले ही प्राप्त होने लगते हैं। केवल एक दोस्ती का रिश्ता है जो हम यहाँ पर आकर अपनी स्वेच्छा से चुनते हैं, अपने मित्रता को अपनी स्वेच्छा से बनाने का प्रयास करते हैं। क्या समझते हो आप मित्र के बारे में? जो बात हम अपने माँ बाप से नहीं कह सकते, जो बात हम अपने सगे संबंधियों से नहीं कह सकते, जो बात हम अपने गुरु से नहीं कह सकते, जो बात हम जिनको अपना समझते हैं उनसे नहीं कह सकते, वो बात भी हम अपने एक मित्र से कह सकते हैं। विचार करके रखना, मित्र के सामने जाने के बाद अगर तुम्हारा कोई सगा सच्चा और अच्छा मित्र है, उसके सामने तुम पूरे खाली होना चाहते हो, उससे हर अच्छी और बुरी बात कहना चाहते हो, विचार करो। उस मित्र के सामने तुम्हें अपने सारे मन के विचार विकल्प खत्म कर देते हो और सब कुछ उससे कह देते हो जिससे तुम्हारा मन मिलता है, जिसके प्रति तुम्हारे मन में एक आस्था और मन में श्रद्धा का भाव होता है। उस मित्र की खोज करना है। कैसे करो? मैं एक दिन ऐसे ही चला जा रहा था बिहार में, रास्ते में सफर में था, अकेला था, गुरुजी आगे हो गए, तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी कि मित्र होना कैसा चाहिए। तब मैंने लिखा, एक मित्र चाहिए जिंदगी के लिए, आपको नहीं हमको भी चाहिए। आप विचार करके रखना इन पंक्तियों में, सुनना कि मित्र कैसा हो। पुस्तक आपके पास पहुंची हो तो उसमें आप देखेंगे। एक मित्र चाहिए जिंदगी के लिए, सुख दुखों में साथ हो दिल लगी के लिए। एक मित्र चाहिए जिंदगी के लिए, सुख दुखों में साथ हो दिल लगी के लिए। हाथ में हाथ रहे बंदगी के लिए, एक मित्र चाहिए जिंदगी के लिए, सुख दुखों में साथ हो दिल लगी के लिए। हाथ में हाथ हो बंदगी के लिए, एक मित्र चाहिए जिंदगी के लिए। और रास्ते लंबे हो मगर पांव साथ देते रहे, रास्ते लंबे हो मगर पांव साथ देते रहे, कड़कड़ाती धूप हो मगर छांव साथ देती रहे।
रास्ते लंबे हो मगर पांव साथ देते रहे, कड़कड़ाती धूप हो मगर छांव साथ देते रहे, मित्र का भी साथ हो दिल लगी के लिए, एक मित्र चाहिए जिंदगी के लिए, हाथ में हाथ रहे बंदगी के लिए, एक मित्र चाहिए जिंदगी के लिए। और स्वार्थ में संसार है स्वार्थी है यहाँ के लोग, स्वार्थ में संसार है स्वार्थी है यहाँ के लोग, कहीं कोई दिखता नहीं निस्वार्थी लोग, निस्वार्थी मित्र चाहिए बंदगी के लिए, निस्वार्थी मित्र चाहिए बंदगी के लिए, एक मित्र चाहिए जिंदगी के लिए, हाथ में हाथ रहे बंदगी के लिए, सुख दुखों में साथ हो दिल लगी के लिए, एक मित्र चाहिए जिंदगी के लिए, एक मित्र चाहिए जिंदगी के लिए। बेचारे ऐसा कोई मित्र चाहिए जिससे हम बंदगी भी कर सकें और जिसके साथ दिल लगी भी कर सकें, जिसकी हम वंदना भी कर सकें और जिसके साथ हम मजाक भी कर सकें। एक ऐसा मित्र चाहिए जिससे हम अपने मन की हर बात कह सकें। और ख्याल करके रखना, ऐसा मित्र कैसा होगा? आप लोग बोलते हैं ना लंगोटिया यार, लंगोटिया यार का मतलब कोई लंगोटी पहनने वाला पहलवान नहीं, लंगोटी यार का मतलब है जिससे बचपन से, जब वो भी लंगोटी पहनता था तुम भी लंगोटी पहनते थे, तब से तुम्हारी दोस्ती हो। ख्याल करके रखना, इस संसार में दोस्त जरूर होना चाहिए। जिसके जीवन में दोस्त नहीं है, फ्रेंड नहीं है, उसका जीवन बिल्कुल अधूरा अधूरा लगता है। क्यों? क्योंकि हर बात हर किसी से कही नहीं जा सकती है। बस वो दोस्त कैसा होना चाहिए तो मैं कहना चाहूंगा, हम लोगों ने मित्रता की परिभाषाएं बदल दी हैं। हम लोग सोचते हैं दोस्त लड़का और लड़की ही हो सकते हैं, नहीं, माँ बाप भी अच्छे दोस्त होते हैं। विचार करके रखना, माँ बाप को तुमने माँ बाप समझते रहोगे। हमारे नीतिकारों ने कहा है, हमारे नीतिकारों ने कहा है, पिता का पैर का जूता बच्चे के पैर में आने लग जाए, पिता के पैर का जूते का नाप और बेटे के पैर के जूते का नाप एक हो जाए तो वो बाप बेटा नहीं, वो पिता पुत्र नहीं, वो दोनों फ्रेंड की तरह रहें तो जीवन में खुशियां आ जाती हैं, जीवन में आनंद बरस जाता है। आप विचार करके रखना, दूध और पानी की मित्रता इतनी प्यारी मित्रता है। दूध में पानी मिल जाता है, कीमत किसकी बढ़ती है? दूध की बढ़ती है, पानी की बढ़ती है? आप विचार करके रखना, दूध में पानी मिलता है, कीमत पानी की बढ़ती है, लेकिन दूध पैसा कमा कर दूध पैसे और ज्यादा मिल जाते हैं। विचार करना, दूध के साथ पानी मिला तो पानी की कीमत दूध के समान हो गई और दूध का उतना ज्यादा पैसा मिलने लगा। विचार करो, दूध को तपाने रखना, जब दूध को तपाने के लिए रखते हो, दूध तपता है, दूध गर्म होता है और गरम होते 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 जैसे ही उसमें से पानी जलने लगे ना, पानी को जलने लगे तो दूध उफन के बाहर आता है। कभी तुमने विचार किया, जैसे ही वो दूध उफन कर बाहर आता है, आप ये माताएं थोड़ा सा उसमें पानी डालती हैं और थोड़ा सा पानी डालती हैं, वो दूध कहता है मुझे मेरा मित्र मिल गया, तो वो दूध फिर शांति से बैठ जाता है। और पानी नहीं डालो तो क्या करता है वो? दूध बन के बाहर आकर अग्नि को बुझाने की कोशिश करता है। तो दोस्ती करो तो दूध और पानी की तरह करना, कि तुम्हारे मित्र को कभी कोई तकलीफ हो जाए तो सब कुछ नौछावर कर देना, उसके लिए सब कुछ समर्पित कर देना।
वो दोस्ती एक अंदर का एहसास है। ख्याल करना, दोस्त दोस्त नहीं खुदा होता है। कई लोगों ने अपनी अपनी पंक्तियां लिखी हैं, दोस्त दोस्त नहीं खुदा होता है, एहसास तब होता है जब दोस्त जुदा होता है, एहसास तब होता है जब दोस्त जुदा, जब पानी से दूध अलग होता है तब एहसास होता है। ऐसा ही हमारा जीवन हो, हम जिसके साथ भी दोस्ती करें समर्पित भावों से करना चाहिए, समर्पित भावों के उसके साथ मिलना चाहिए। एक बात का ख्याल करो, अपने जीवन में उस दोस्ती को बनाए रखने, दोस्ती सहज नहीं है, दोस्ती एक साधना है। ख्याल करना, दोस्ती मित्रता एक साधना है, और वो साधना हमें पूरे जीवन भर भी करना पड़े तो कम हुआ करती है। विचार करो, चित्त में खोट हो जाए तो कोई बात नहीं, तुम्हारे चित्त में खोट हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे मित्र में कोई खोट नहीं होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखना, अगर तुम सच्चे मित्र हो किसी के तो उसके अंदर खोट नहीं होना चाहिए। और एक बात का ख्याल रखना, मित्र बनाने की अपेक्षा तुम बहुत बार सोचते हो कि किसी को हम दोस्त बना लें, मित्र बनाने की अपेक्षा तुम किसी के मित्र बन जाओ, दोस्त बनाने की अपेक्षा तुम किसी के दोस्त बन जाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी वो निभाएगा। मैंने कुछ परिभाषाएं लिखी हैं, सच्चा मित्र कौन, तो कहा करते हैं जो चुरा ले तुम्हारे अंदर का चित्त उसको कहते हैं सच्चा मित्र। विचार करना, जो बना दे तुम्हें पावन और पवित्र उससे कहते हैं सच्चा मित्र। इतना ही विचार करना, जो तुम्हारे अंदर अपने जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास कर। बहुत से लोग आज यहां पर आए हैं जो अपने जैनेतर समाज के श्रद्धालुओं को लेकर आए हैं कि महाराज ने कहा था कि आज अपने दोस्तों को लेकर आना। विचार करना, बहुत से दोस्त मिलेंगे वो कहेंगे चलो आज पिक्चर देखने चलते हैं, पिक्चर दिखाकर तुम्हारा फ्यूचर खराब कर रहे हैं, वो सच्चे मित्र नहीं हो सकते। जो कह रहे चलो आज प्रवचन सुनने चलना है, वो प्रवचन के माध्यम से तुम्हें अमरता का वरदान दिला रहे, वो सच्चे मित्र हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो तुम्हें गलत संगति की ओर ले जाए समझना ये तुम्हारे दुश्मन है। जो तुम्हारे मित्रता के नाम पर तुम्हारे साथ छल और कपट करें समझना ये तुम्हारे शत्रु हैं। मित्रता के नाम पर तुम्हें धोखा दे वो समझ के रखना वो सच्चे मित्र हो नहीं सकते। चाणक ने कहा है जिससे एक बार दोस्ती छूट जाए, जिससे एक बार मित्रता छूट जाए उससे दोबारा मित्रता सोच समझ के करना, नहीं तो वो बार बार तुम्हें धोखा देने का प्रयास कर। ख्याल करो, एक बात का ख्याल रखना, 100 मूर्खों को दोस्त बनाने की अपेक्षा एक ज्ञानी शत्रु वो तुम अपना बना लो। अभी ये माता जी बोले इतनी हमारी दुश्मन है, आप विचार करके रखना, 100 मूर्खों को दोस्त बनाने की अपेक्षा एक समझदार शत्रु बना लो अपना, तुम्हारे जीवन में उत्थान ही उत्थान आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, नहीं तो हमारी दशा बड़ी गड़बड़ वाली होगी। ये शब्दों वाली बातें हैं, प्रैक्टिकल में तो बहुत आनंद की बातें हैं। शत्रुमा आप विचार करना, अपने जीवन में तुम किससे सावधान रहते हो, मित्र से सावधान रहते हो या शत्रु से सावधान रहते हो? तुम्हारे घर में जो लोग हैं उन मित्रों से सावधान नहीं होते हो, लेकिन तुम्हारा शत्रु होना उससे तुम सावधान होते हो। आप विचार करना, राम को उतना ऊपर ऊंचाइयां दी लक्ष्मण ने और शत्रुघ्न ने नहीं, और हनुमान ने नहीं दी, किसने दी? हाँ, कौन बोला? रावण। रावण के साथ नाम राम का जुना, तो विचार करना वो ऊंचाइयों को पा गए। कृष्ण के साथ नाम कंस का जुड़ा तो कहां से कहां तक कृष्ण पहुंच गए।
एक जीवन में शत्रु जरूर हो, लेकिन कुछ नीतिकारों ने कहा है किसी को मित्र ना बना पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन शत्रु भी नहीं बनने देते। किसी नीतिकारों ने कहा है कि कोई तुम्हारा मित्र ना बने तो कोई बात नहीं, एक शत्रु भी अपने जीवन में बनने मत देना, क्योंकि हजार मित्रों में एक शत्रु अगर है तो हजार मित्रों से तुम्हारी दोस्ती खत्म करा सकता है। दूध में बहुत सारी चीनी डाल रखी है, लेकिन एक नींबू की बूंद पड़ते ही वो दूध फट जाता है। ख्याल करो, सत्यता सहजता की चीज है और मित्रता साधना की चीज है। बाहर जगत से दोस्ती तुमने बहुत बार की, एक बार अपने आप से दोस्ती कर तो देखो। हमारे आचार्यों ने कह दिया, सत्वेषु मैत्रीं गुणसु विरोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परतम मादस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विद्धातु देवी। हर जीवों से मैत्री का भाव हो, विचार एक इंद्रिय जीवों से भी मैत्री का भाव होना चाहिए। सत्वेषु मैत्री, जितने संसार में जीव हैं, जगत में जीव हैं, उनसे मैत्री का भाव रखो। और उनसे मैत्री का भाव तभी हो सकता है जब आपकी दोस्ती आपसे। आपको आश्चर्य होगा, जिन जिन ने दोस्ती अपने आप से की है, जिन जिन की मित्रता अपने आप से हुई है, जिन जिन लोगों ने अपने आप से दोस्ती की है, उनके सामने जन्म जात शत्रु भी अपनी सत्यता छोड़ देते हैं। जिन्होंने अपने आप से दोस्ती कर ली, ऐसे महापुरुष हमारे तीर्थंकर महावीर, जिन्होंने अपने आप से दोस्ती की, जन्म जात शत्रु सांप और नेवला, गाय और शेर एक घाट पर पानी पीते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करके रखना, अपने आप से दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमने जगत को दोस्त बना रखा है। छोटा सा एक उदाहरण मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी सुनाते, मेरी ये पुस्तक है ना जीवन की, उन्हीं की लिखी हुई है, इसमें मैंने कुछ लिखा ही नहीं, जो उन्होंने लिख दिया बस वही मैंने बांच दिया। विचार करके रखना, आचार्य भगवान एक उदाहरण सुनाते हैं, कहते हैं कि एक राजकुमार अपने पिता के पास गया, पिता ने उन्हें बुलाया, बेटा मैं तुझे अपना राज सौंपना चाहता। बेटा बड़ा खुश हुआ, बेटा बड़ा प्रसन्न हुआ, और पिता ने कहा कि कल तुझे मैं अपना राज का राजपाट सौंप दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन पिता के मन में आया कि मैं इसे अपना राजपाट सौंपूं, लेकिन ये राजपाट संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा, इसकी परीक्षा होना चाहिए। सम्राट ने अगले दिन जब बेटे को बुलाया तो दुत्कार दिया, बेटे से कहा कि भाग जाए यहां से, तुझे कोई राजपाट नहीं सौंपा जाएगा, तुझे कोई राजपाट नहीं दिया जाएगा, चला जाए यहां से। बेटे ने कहा, पिता ने तो कहा था कि मुझे राजपाट सौंपा जाएगा, लेकिन अभी अचानक पिता को क्या हो गया, बोल दिया नहीं तुझे कोई राजपाट नहीं दिया जाएगा। बेटा दुखी हुआ, माँ के पास गया, माँ ने भी कह दिया नहीं, जब पिता ने तुझे ठुकरा दिया तो मैं तुझे क्या रखूंगी, तू यहां से निकल जा। वैसे बच्चे को जब दुख दर्द होता है तो माँ की याद आती है, लेकिन उस माँ ने भी दुत्कार दिया। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर स्वर्णिम स्वर्ण।